रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। क्लास नाइन सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर टू में हमारा जो यूनिट नंबर टू था ज़कात, उशर और इनहेरिटेंस से रिलेटेड था। ठीक है, ज़कात हमने लर्न किया, उशर लर्न किया। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन के विरासत। ठीक है, अब आपके पास क्या है इनहेरिटेंस को, पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब क्या है स्टूडेंट्स, आपने ज़कात और उशर के बारे में पढ़ा था, तो हमारे पास इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस्लाम ने हमें रूल बताए हैं, इस्लाम ने कहा है कि जब हमारा कोई अपना, जब कोई आपका सरबराह घर में कोई आदमी या कोई औरत कोई भी फोत हो जाता है, ठीक है, अगर उसकी प्रॉपर्टी है, उसके गोल्ड है, कोई औरत है उसका गोल्ड उसके पास था, या आदमी उसकी प्रॉपर्टीज थी, घर था, शॉप्स थी, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके किसमें, उसके जो वारिस होते हैं, और वारिसों में कौन आता है, उसके माँ बाप, उसके बेटे और बेटियाँ, ठीक है, मर्द की बीवी भी उसमें आ जाती है। तो क्या करते हैं फिर हम, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की है वो हमें इस्लाम ने बता दिया कि हमने उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो देखें यहाँ पे भी ये बुक पे आपकी ये डेफिनेशन भी, व्हेन अ मुस्लिम मेल फीमेल डाइज एंड लीव बिहाइंड एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग लीगल हायर्स ऑफ द डिकेड्स अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि एक आदमी या औरत मर जाता है और वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, तो वो लीगल हायर्स यानी कि वारिस जो होते हैं, लीगल यानी कि उसके जो सगे रिश्ते होते हैं उसमें, वो मरने वाले की जो उसने वसीयत की होती है अकॉर्डिंग उसके टीचिंग ऑफ इस्लाम उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, राइट ऑफ इनहेरिटेंस इज एस्टेब्लिश ओनली आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन एंड नॉट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अच्छा जी, क्या कहते हैं विरासत के जो राइट्स हैं, उसूल हैं, वो कब इस्टेब्लिश होते हैं, कब फॉलो किए जाते हैं, जब एक आदमी या औरत फोत हो जाता है उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जब वो ज़िंदा होता है। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में ही अपनी विरासत में अपने हिस्से कर लेते हैं, ठीक है ना, अपने बच्चों में, लेकिन बेसिकली ये उसके मरने के बाद डिस्ट्रीब्यूश होते हैं। अच्छा जी, अब कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी डिसेड्स स्टेट प्रॉपर्टी, द हाइज हैव टू परफॉर्म थ्री ड्यूटीज़। अच्छा, मरने वाले की, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले वारिस क्या करेंगे, तीन काम करेंगे। ठीक है, वो वारिस क्या करेंगे, सबसे पहले वो तीन काम करेंगे, पहले तो उसके फ्यूनरल एंड रूरल एक्सपेंसेस यानी कि पेमेंट कर देंगे, जो उसके मातम पे, फोत होने पे जो, और कफन दफन पे जितना खर्च आया वो उसकी तकसीम कर देंगे। अच्छा जी, पेमेंट ऑफ हिज डेबिट्स, डेबिट्स मीन उसका कर्ज। अच्छा, उसने अगर कोई कर्ज उस पर है तो उसको अदा कर देंगे। अगर उसने, अगर मर्द फोत हुआ और उसने अपनी बीवी का मेहर नहीं दिया, तो पहले उसको भी, वो भी उसके कर्ज में इंक्लूड होगा, तो वो भी देना होगा। फिर थर्ड क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ हिज हर विल। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट मैक्सिमम ऑफ वन थर्ड वन्स टोटल असेट्स कैन बी बेक्यूटेड, मोर ओवर इज नॉट लॉफुल टू मेक बेक्यूट इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द इनहेरिटेंस। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूशन, वो जो अपनी वसीयत लिखता है, ठीक है, अक्सर वो क्या करते हैं कि वो किसी एक को वारिस बना देते हैं, ठीक है ना, और वो कह देते हैं कि भाई ये तमाम कैन बी, ठीक है, ये सब उसका होगा, लेकिन कहते हैं ये लॉ के मुताबिक ठीक नहीं है, अगर बोथ भी है तो उस बंदे को कितना मिल जाएगा, वन थर्ड मिल जाएगा उसकी जायदाद का, तमाम नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जो कि इंटाइटल हुआ है। तो ये तीन स्टेप्स उन्होंने देखने हैं। द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेसी इज इलस्ट्रेटेड टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। अब कहते हैं, देखिए, अ पर्सन डाइड एंड लेफ्ट बिहाइंड एसेट्स वैल्यूइंग रुपीज 5,60,000 आफ्टर स्पेंडिंग 8,000 ऑन हिज ब्यूरल एंड क्लियरिंग हिज डेबिट ऑफ रुपीज 1,12,000। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग हिज विडो
three son and four daughter in such a manner that widow got 1/8 of the remaining amount, and each son got ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर लें. ईच सन गॉड डबल ऑफ द डॉटर, फाइंड द शेयर ऑफ ईच. हाय ठीक है, अब क्या है देखें, एक आदमी है ठीक है, उसने अपनी जायदाद, उसका जो असासा था उसकी कीमत कितनी थी, 5,60,000 ठीक है. अब उसने उसके जो कफन दफन पे जो खर्चा आया वो 8,000 आया. उसने जो कर्ज लिया था उसकी क्लियरिंग की उन्होंने 1,12,000, तो रिमेनिंग अमाउंट जो रह गई थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई उसकी बीवी में, विडो, तीन बेटों में और चार बेटियों में. अच्छा जी, अब अगर ये आपके पास इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको प्रॉपर आपको बता दिया गया है कि अगर एक औरत आदमी फोत हो जाता है और उसके औलाद नहीं है तो उसकी बीवी को 1/4 हिस्सा मिलता है ठीक है ना, और अगर वो उसके बच्चे हैं तो उसको 1/8 मिलता है. तो विडो जो है वो 1/8 लेगी रिमेनिंग में से, और ईच सन जो बेटे होंगे बेटों को डबल दिया जाता है बेटी से ठीक है, तो बेटे डबल लेंगे बेटियों से. अब हम स्टार्ट करते हैं ठीक है. सॉल्यूशन, टोटल असेट्स यानी टोटल असासा कितना था उसका, टोटल उसकी प्रॉपर्टी 5,60,000 थी. एक्सपेंडेड ऑन ब्यूरल कितना, 8,000, एंड पेमेंट ऑफ डेबिट सरकार वो सॉरी उसकी कर्ज जो था वो कितना था, 1,12,000. अब रिमेनिंग अमाउंट हम क्या करेंगे, 5,60,000 में से माइनस कर देंगे 8,000 प्लस 1,12,000 ठीक है स्टूडेंट्स. अब हमने जब इसको माइनस सॉल्व किया तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट रहेगी 4,40,000. अच्छा जी, अब 4,40,000 में क्या होगा, पहले शेयर ऑफ हिज वाइफ ठीक है, उसकी वाइफ का शेयर हमने क्या करना है, रिमेनिंग अमाउंट में से पहले उसकी वाइफ का शेयर निकाल लेना है. तो 1/8 ठीक है, 1/8 को मल्टीप्लाई कर लें 4,40,000 से, तो उसकी वाइफ को कितने मिलेंगे, 50,000. अच्छा जी, अब क्या है, अब ये जो 4,40,000 है इसमें से ये जो आपके पास आ गया, सॉरी 55,000 जो आपके पास आ गया माइनस कर लेना ठीक है ना. अब जो रह जाएगा उसकी बीवी को मिलने के बाद जो अमाउंट रह जाएगी वो उसके बच्चों में तकसीम होगी ठीक होगा स्टूडेंट्स. 4,40,000 में से ही तकसीम नहीं होगा, बल्कि जो बीवी को देने के बाद जो रहेगी रकम अब उसके वो रकम उसके बच्चों में तकसीम होगी. तो रेशो बिटवीन हाफ सन एंड डॉटर ठीक है, 2:1 उन्होंने बोला है ना कि बेटे को डबल मिलेगा बेटी से. अब रेशो बिटवीन ऑफ थ्री सन्स एंड फोर डॉटर्स, अगर तीन बेटे हैं और चार बेटे हैं तो उनके रेशो क्या आ जाएगा, 6:5. सम ऑफ रेशो हमने फाइंड किया तो 10 आ गया. अब शेयर ऑफ सन कैसे फाइंड करेंगे, 2/10 मल्टीप्लाई बाय 3,85,000 ठीक है. इसको आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 77,000 ठीक है. शेयर ऑफ सन कितना आ गया, 77,000, और शेयर ऑफ ईच डॉटर, अब उसकी बेटी को कितना शेयर मिलेगा, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 3,85,000, तो 38,500 ठीक है ना, हर बेटे को मिल जाएगा. बेटों को ये शेयर ऑफ सन कितना आ जाएगा, 77,000 ठीक है ना. फिर 77,000 तीन बेटों में तकसीम हो जाएगा, और ये 38,500 चार बेटियों में तकसीम हो जाएगा ठीक हो गया स्टूडेंट. तो इस तरीके से हमने करना है, आपने देख लिया कि किस तरीके से हमारे पास ज़कात वो सॉरी हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की है प्रॉपर्टी की, असासे की ठीक है. तो ये आपके पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अगर आपको कहते कि फाइंड द शेयर ऑफ ईच सन ठीक है ना, अगर आपको वो कह देते कि ईच हर बेटे का शेयर फाइंड करें, या तो फिर आप क्या करते कि ये जो आपके पास आ गया था ना शेयर ऑफ सन,
उसको आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो फिर हर एक बेटे का शेयर आ जाता, और इसी तरीके से बेटी के लिए भी इसी तरीके से आ जाता। लेकिन हमें लोगों ने जस्ट कहा है कि बेटी और बेटों का शेयर फाइंड कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, अ वोमेन पास्ड अवे लिविंग बिहाइंड एसेट्स ऑफ 391,240 अकॉर्डिंग टू दी हर विल ₹1,00,000 were denoted to a cancer hospital and the remaining amount was distributed among her husband, 2 sons and 1 daughter. If the husband got 1/4 of the amount and the remaining went to the children in such a manner that the ratio between the share of son and daughter was 2:1, then find the share of each her. अच्छा जी, अब क्वेश्चन आपको समझ आ भी गई होगी। क्या है, एक औरत फोत हो गई, ठीक है, पास्ट अवे, दुनिया से चली गई, उसने जो असासा उसका था, जो उसकी जायदाद थी, वो कितनी छोड़ी, 391,240। अब उसने क्या किया, उसने अपनी वसीयत में लिखा कि जो उसके 1 लाख हैं वो डिनोट कर देंगे, डिनोटेड हो जाएगा कैंसर हॉस्पिटल में, और जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उसके हस्बैंड में, 2 बेटों में और 1 बेटी में। अब कहते हैं अगर हस्बैंड कितना लेगा, 1/4 लेगा, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट का, और जो उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगी उसमें बेटी और बेटे को मिल जाएगा, ठीक है, 2:1 के फॉर्म में, यानी कि बेटे को डबल मिल जाएगा और बेटी को 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप करते हैं सोल्यूशन क्या, टोटल एसेट्स कितना है, 391,240, डोनेशन ऑफ कैंसर हॉस्पिटल कितना है, 1 लाख, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 291,240। अब शेयर ऑफ हस्बैंड कहते हैं कि जो उसकी अमाउंट डोनेशन के बाद जो अमाउंट है उसमें से 1/4 उसके हस्बैंड को मिल जाएगा, तो वो जब हमने डिवाइड कर लिया, 1/4 को मल्टीप्लाई किया अमाउंट से, तो हमारे पास आ गया 72,810, ठीक है। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई, यानी कि जगह हम 291,240 में से 72,810 को माइनस कर लें, तो 22,18,430 आपके पास रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये उसके बेटी और बेटे में तकसीम होगी, रेशो बिटवीन 2 सन एंड 1 डॉटर, ठीक है। अब बेटे कितने हैं, 2 हैं और बेटी 1 है, यानी बेटे 2 हैं, तो ये जो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4:1 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, सम कर लेना, सम ऑफ रेशो क्या आ गया, 5, ठीक है। अब हमने शेयर ऑफ ईच सन, तो ईच सन के शेयर को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 2 को 5 पे डिवाइड कर लिया, और जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट आ गई थी 218,430 से सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 87,372, ठीक है स्टूडेंट। तो 87,372 जो है उसके हर बेटा, जो उसका बेटे को मिल जाएगा वो कितना होगा, सन ऑफ, ठीक है ना, शेयर ऑफ सन कितना हो जाएगा, यस 87,372, और शेयर ऑफ ईच डॉटर क्या होगा, 1/5 को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 218,430 पे, तो आपके पास आ जाएगा 43,686, ठीक हो गया। तो इस तरीके से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ये ठीक है, उसके हस्बैंड को भी मिल गया, और ठीक है हस्बैंड को मिला, उसके बेटों को मिल गया, ठीक है, बेटियों को, बेटे और बेटी को मिल गया इस तरीके से, ठीक है, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी, ठीक है, दोनों बेटों को और बेटियों को ये उसका शेयर मिल गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, अ पर्सन डाइड एंड लेफ्ट बिहाइंड एसेट्स ऑफ वर्थ ₹4,32,880 एंड ₹10,000 वर स्पेंड ऑन हिज ब्यूरल, डिवाइड द रिमेनिंग अमाउंट हिज विडोज हू शेयर इज 1/8 ऑफ द अमाउंट एंड द सन और डॉटर इन द रेशो ऑफ 2:1, ठीक है, 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा जो है वो कितना है, बेटी का है।
अब एक आदमी क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहे हैं अ पर्सन डाइड एंड लेफ्ट बिहाइंड असिस्ट, कितना सासा कितनी जायदाद उसने जो छोड़ी उसकी प्राइस कितनी है 4,32,880 और 10,000 उसके कफन दफन पे स्पेंड हो गया। अब क्या है डिवाइडिंग द रिमेनिंग अमाउंट, जो उसका अमाउंट बच गई उसको क्या किया उसकी विडो में उसका 1/8 चला गया और जो विडो को देने के बाद जो अमाउंट रहेगी वो उसकी बेटे और बेटी में तकसीम हो गया 2:1 के क्वांटिटी से। ओके अब सोल्यूशन टोटल असिस्ट कितना 4,32,880 एक्सपेंडिचर इन ब्यूरल 10,000। अब रिमेनिंग अमाउंट 10,000 को माइनस किया तो 4,22,880 आपके पास रह गया। अब शेयर ऑफ विडो 1/8, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसका 1/8 निकालने तो आपके पास क्या आ जाता है 52,860। ठीक है ये इसका विड्रो को मिल गया। अब रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 4,22,880 में से जब विड्रो का निकाल लेंगे ठीक है उसके वाइफ का शेयर निकाल लेंगे तो कितना रहेगा 3,70,020। अब रेशो बिटवीन एंड सन एंड डॉटर कितना है 2:1 तो सम ऑफ रेशो 3 आ गया। शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ सन क्या आ जाएगा 2 ठीक है ना 2:1 है ना 2/3 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 3,70,020। तो उसको डिवाइड किया सॉल्व किया तो क्या आ गया 2,46,680 जो है उसके बेटे को चला गया और बेटी को कितना मिल गया बेटी को देखे 1/3 यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3,70,020। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 1,23,340। ठीक है बेटे को 2 हिस्से चले गए और बेटी को 1 हिस्सा चला गया। इस तरीके से इसकी हमारे पास क्या हो गई डिस्ट्रीब्यूशन हो गई उसकी जायदाद की ठीक है ना उसकी प्रॉपर्टी। किस तरीके से आपने देख लिया ना विडो को चली गई उसके दो बेटों को उसके बेटे को और बेटी को हमने किस तरीके से शेयर डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। तो स्टूडेंट काइंडली डू डन ऑल दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक ओके एंड लास्ट काइंडली सबमिट योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग ओके स्टूडेंट मस्ट सबमिट योर नोटबुक ओके थैंक यू बेस्ट ऑफ लक।